क्या सुशांत के फ्लैट में आदा को होता है अलग एहसास? क्या सुशांत के फ्लैट में रहते हुए आदा को लगता है डर? शिफ्टिंग से पहले एक्ट्रेस को मिली थी सख्त चेतावनी, तो अब सुशांत के घर की नई किराएदार बन आदा ने सुनाई अनसुनी कहानी। बांद्रा के जिस मोंट ब्लैक अपार्टमेंट को कभी दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर के नाम से जाना जाता था, वो घर अब द केरल स्टोरी स्टार आदा शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाता है। आखिर कुछ महीने पहले ही आदा सुशांत वाले ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट जो हुई है, ये तो सब जानते हैं कि बीते साल आदा ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी जब एक्ट्रेस ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 3 साल से खाली पड़े फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला लिया था, जिस फ्लैट में सुशांत ने फांसी लगाकर जान दी, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, वहां आदा के शिफ्ट होने की खबरों ने लोगों को हैरान कर दिया था। जिसके बाद से ही अक्सर आदा से पूछा जाता था ये अजीबोगरीब सवाल कि क्या सुशांत के फ्लैट में उन्हें होता है किसी डर का एहसास, क्या बीते दिनों में उन्हें हुआ है कोई अजीब अनुभव, तो अब खुद आदा ने सुनाई है अपनी आप बीती। दरअसल बीते दिनों एक इवेंट में पहुंची आदा से एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या सुशांत के घर में रहने से उन्हें कभी डर लगा था, क्या वहां शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया था, जिसके जवाब में आदा ने कहा कि क्यों डर लगना चाहिए, अगर जिंदगी में आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का है, अगर आप कुछ गिल्ट में हैं या आपने कुछ गलत किया है तो डर होना चाहिए किसी भी चीज का, मुझे लगता है। बता दें कि इससे पहले अपने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि जब उन्होंने सुशांत के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला लिया था तब उन्हें कई लोगों ने ऐसा ना करने की वार्निंग दी थी और अपना फैसला बदलने की भी सलाह दे डाली थी। दरअसल इस वार्निंग के पीछे वजह सुशांत के फ्लैट को लेकर उड़ी अलग अलग तरह की अफवाहें हैं, क्योंकि सुशांत के निधन के बाद से ही वो फ्लैट खाली पड़ा था, यहां तक कि लाख कोशिशों के बाद भी उस ड्यूप्लेक्स फ्लैट के लिए किराएदार नहीं मिल रहा था, तो कई रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा कर दिया गया था कि हॉन्टेड होने के डर से लोग सुशांत के उस फ्लैट में शिफ्ट नहीं होना चाहते, जिसके चलते सुशांत के फ्लैट को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने लगी थी। हालांकि आदा ने इन वार्निंग्स पर ध्यान नहीं दिया था और इसी साल जून में वो अपनी नानी और माँ के साथ बांद्रा स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद एक इंटरव्यू में आदा ने सुशांत के घर में शिफ्ट होने को लेकर बातें की थी और बताया था कि ये घर उन्हें बेहद पॉजिटिव वाइब्स देता है और वो यहाँ शिफ्ट होकर बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।